Hi guys, it's me Ashika. Today I'm gonna reply Seema Subedi for her future short for Our Country Nepal. Today I'm gonna reply her in Hindi because I think she understand clearly if I reply her in Hindi. Okay, Seema, listen carefully what I'm gonna reply you. Even today I'm gonna reply you each and everything what you told about our country. Firstly, तुमने कहा कि नेपाली लोग इंडिया में जाके बर्तन मांजते हैं, राइट? ओके, फाइन, विल एक्सेप्टेड, होगा, करते होंगे, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि इंडियन लोग यहाँ पे आके क्या करते? व्हाट दे हैड बीन डन इन नेपाल, तुमको पता है? तुम्हारे इंडियंस, योर इंडियन पीपल, यहाँ पे आके कबाड़ी, पता ना कबाड़ी, वो उठाते और जितने भी नेपाल में भिखारी यू नो बेगर दे ऑल आर इंडियंस. मैंने आज तक कोई नेपाली भिखारी नहीं देखा है कि जितना मैंने इंडियन भिखारी नेपाल में देखा है. ओके, या एंड नेक्स्ट थिंग, तुमने कहा था कि तुम लोग अपने आप को गोरखालीस बोलते हो. हु द हेल यू आर टॉकिंग लाइक दैट कि हम लोग गोरखाली नहीं है. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी, please could you please explain me what you mean by gorkhali, what you understand about gorkhali, from where this word created gorkhali. Today I'm gonna say you from where this word created gorkhali. Prithibi Narayan Saha, he born in Gorkha, he fought for our country, he died for our country, that's why we all Nepalese regarding as a Bir Gorkhali. Then who the hell you are saying yourself that you are a Gorkhali Indian? Gorkha located in Nepal, not in India. Do you get that, Miss Seema Subedi? Could you please explain me about the Gorkhali? And next thing, you told about respect, right? Have you ever reached in Nepal? जो तुम एकदम से बोल रही हो कि नेपाल में ये लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, तुम नेपाल के बारे में वीडियो बना के तुम धजिया उड़ाओगी तो कौन तुमको रेस्पेक्ट देगा? कभी नेपाल आना, फिर तुमको पता चलेगा कि नेपाल में तुम्हें कितना रेस्पेक्ट मिलता है. ओके, तुम आई नहीं हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का कि नेपाल में रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है. ओके, एंड यू टोल्ड अबाउट योर डैड, राइट? कि तुम्हारे पापा, मतलब कि तुमको तुम्हारे पापा चाहते थे दैट यू वांट, तुम एक इंडियन आर्मी बनो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, इसीलिए तुम्हारे पापा ने बोला इट्स ओके. इसका मतलब क्या है? व्हाट यू वांट टू प्रूव कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं? ओ प्लीज तुमको मैं एक बार एकदम आराम से समझाती हूँ रेस्पेक्ट लड़कियों का, या तुमको मैं एकदम क्लियरली बताती हूँ. इंडिया में लड़कियों को इज्जत कैसे मिलता है? उन लोगों का रेप करके. सबसे ज्यादा रेप कहाँ पे होता है? इंडिया. दहेज के लिए लड़कियों को कहाँ मारा जाता है? इंडिया. और लड़कियों को लव मैरिज करना मना है कि कहाँ? इंडिया. लड़कियों को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मना है, कहाँ? इंडिया. यहाँ तक उन लोगों को शादी के बाद घूंघट पहनना पड़ता है, ये कल्चर कहाँ है? इंडिया. और तुम बोलती हो रेस्पेक्ट के बारे में? कभी नेपाल आना, फिर तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज रेस्पेक्ट एंड व्हाट इज फ्रीडम, वो तुम्हें नेपाल आने के बाद ही पता चलेगा. या एंड सेकंड थिंग, तुमने कहा कि हम तुम्हारे राष्ट्रपति मोदी जी को गाली दे रहे हैं. किसने कहा? सुना है तुमने गाली दिया? जब हाल ही में नोट चेंज हुआ था, उसने करेंसी चेंज किया था इंडियन, तो इंडियन लोग ही थे जो उसको बुला रहे थे कि चाय वाला. हमको तो पता भी नहीं था कि वो चाय वाला है, सब तुम्हारे ही इंडियन लोग उसका धज्जिया उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि
एक चाय वाला हम लोगों को भी चाय वाला ही बना के छोड़ेगा, तब तुम्हारा ये इंडियनपन कहाँ गया था बोलो? जब तुम्हारे इंडिया में दहेज के लिए लड़कियों को मारा जाता है तब कहाँ थी तुम? तब तो तुम्हारा आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये कहाँ गया तुम्हारा इंडिया का? और हाँ, जो तुम बोल रही हो ना कि अर्थक्वेक आने के समय में तुमने हेल्प किया था, वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड टू ऑल द इंडियन पीपल हु हेल्प टू आवर नेपाल. ओके, ठीक है, तुम लोगों ने हेल्प किया, लेकिन तुम्हें पता है कि हम लोग अगर किसी को एहसान करते हैं तो जताते नहीं है. और तुम्हारे इंडिया में जितना भी ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो कहाँ से जाता है? नेपाल से जाता है. ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं जाता है ना, बिकॉज वी आर नेपाली, वी आर नॉट इंडियन. यही तो फर्क है ना दैट इंडियन और नेपाली में, कि तुम लोग एहसान करते हो, जताते हो. और सुनो, तुम्हारे मोदी ने हम लोगों को हेल्प क्यों किया था? क्योंकि उसको कोसी बैरेज चाहिए था अपने देश के सिंचाई के लिए और बिजली के लिए, जो कि अगर अर्थक्वेक के टाइम में वो हमें हेल्प करेगा तो हम एहसानों के तले दब जाएंगे और फिर तुम लोगों को वो कोसी बैरेज दे देंगे. इस वजह से तुम्हारे मोदी ने हम लोगों को हेल्प किया था, फोगट में नहीं किया था. ठीक है, हाँ. और तुमने कहा था कि एहसान, तुम्हें पता है जो बॉर्डर में जब इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा होता है तब तुम्हारा कोई इंडियन नहीं जाता है वहां पे. कौन जाता है पता है? नेपाली वीर गोरखाली वहां पे जाते हैं, अपनी जान गवाते हैं और तुम लोगों की हिफाजत करते हैं. लेकिन कभी हमने कहा नहीं कहा. अब देखो, नेपाली और इंडियन का डिफरेंस हम तुमको दिखा देते हैं. हाल ही में जब तुम्हारे राष्ट्रपति मोदी जी ने जब नेपाल और इंडिया का बॉर्डर सील कर दिया था, अगर हम चाहते ना तो हम लोग अपना कोसी बैरेज खोलते, तब तुम्हारा जो इंडिया है ना, इंडिया का बिहार साइड, वो पूरा चला जाता. लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम नेपाली है लेकिन तुम इंडियन हो. इज द डिफरेंस बिटवीन नेपाली एंड इंडियन. मिस सीमा, अगर कभी भी दोबारा आपने ऐसा रबिस वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला अबाउट नेपाल, इफ यू एवर टॉक एनी रबिस अबाउट आवर नेपाल, देन इट विल गोना पॉइजनस फॉर यू. डोंट यू डेयर टू विस्पर अ सिंगल वर्ड अबाउट आवर नेपाल. We are Nepali, we love our Nepal, we proud to be Nepali, and ere gere koi bhi aake hamare Nepal ko aise kuch kahega, then we all are here against you Indians. Do you get that, Miss Siba Suvedi? Will you please shut up and please don't ever try to make any nonsense video about Nepal. Jai Nepal.